कंप्लीट हो गया था, अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग, हु वॉज यक्ष, वॉट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर, यानी कि यक्ष कौन था और उसने क्या क्या सवाल युधिष्ठिर से किए। सवाल ये भी हो सकता है कि वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम ने यक्ष का रूप क्यों लिया था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, वट हैपन टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के सारे भाइयों के साथ में क्या हुआ था। क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं लिहाजा आपको पता होगा कि क्या हुआ, और मैंने आंसर भी दे रखा है, आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका है कि वट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट, यक्ष को सबसे ज़्यादा कौन सी क्वालिटी ने प्लीज़ किया, युधिष्ठिर की खुश किया, वॉट डिड ही डू देन, और उसके बाद में उसने क्या किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, यहाँ पर आपको युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करना है, यानी युधिष्ठिर किस प्रकार के व्यक्ति थे, क्या उनकी क्वालिटीज़ वगैरह थी, ये आंसर इसमें लिखना है। ठीक है, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, ध्यान से समझ कर लिखें। उसके बाद लास्ट चलते हैं आपके मैचिंग पर, लिस्ट ए को लिस्ट बी के वर्ड से मैच करना है, और ये टास्क आपका होमवर्क है, या आपको खुद से इसके मीनिंग्स ढूंढने हैं, वैसे आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होंगे, और इनको इनकी मीनिंग से मैच करना है। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।